शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक से बात करना तो आता नहीं है और मैडम मुझे भाषण देती है। अरे माँ बाप उसके यहीं रहते हैं, फिर क्यों मेरे सर पे नाचती रहती है? रहे ना उनके साथ जाकर। अरे लेकिन तू उसे इस घर से बाहर क्यों निकालना चाहता है? वो अपना काम कर रही है, तू भी अपना काम करना। ऐसा करती क्या है वो? ये पूछ क्या नहीं करती है वो। ये जो भी बैंड बज रहा ना मेरे सर पे, सब उसी की वजह से। ऊपर से याद करने जाओ तो कुछ याद नहीं आता है, उसकी शक्ल दिख जाती तो और गुस्सा आता है। उसे तो मैं इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। निकालने वाली, ऐसा सोचने वाली भी वो कौन होती है? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आपसे ऐसे बात करे। कीर्ति, कोई मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा है। आंखें खोलिए दीदू, आपकी सास ना आपको यहाँ से रवाना करना चाहती है। आपने उनके उस नालायक बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया है? और वो तमीज से बात कर कीर्ति। किस बात की तमीज? क्योंकि हमें तो लगता है ना कि सारे लोग यहाँ पे भूल गए कि आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया है। और अगर माँ ने हमें बताया नहीं होता तो हम भी यकीन कर लेते। क्या फायदा इतना तप करने का, उसकी इतनी सेवा की आपने, क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ है कीर्ति, मैं अभय के लिए तप करती हूँ क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। मेरे पति है वो। जिस दिन से हमारी शादी हुई ना कीर्ति, उस दिन से हमारी किस्मत की लकीरें जुड़ गई। और जिस दिन से किस्मत की लकीरें जुड़ी, उस दिन से सिर्फ हमारे सुख ही नहीं, हमारे दुख भी जुड़ गए। आप जिसके साथ अपनी किस्मत जोड़ बैठी है, जिसके साथ अपनी खुशियां जोड़ बैठी, वो आपको इस घर से निकाल रहा था। गुस्से में अगर कोई कुछ बोल जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके मन में भी ऐसी बात है। तू देख रही है ना अभी अभय की क्या हालत है। ऐसे में उनका गुस्सा किसी दूसरे पर निकल जाता है। क्यों इतना ज्यादा सोच रही है? छोड़ ना इन सब बातों को, चल कहीं बाहर चलते हैं। बाहर चल के आइसक्रीम खाते हैं। अरे कितने दिन हो गए। आप नहीं बदली पर हम बदल गए। और ये खाने पीने की बात करके आप बात को पलट नहीं सकते। अगर चाची जी को अपने बेटे की तकलीफ इतनी नजर आ रही, उसकी तबीयत की इतनी चिंता है उन्हें, तो आपको मायके क्यों भेज रही हैं? अपने बेटे को अस्पताल भेजे ना, क्योंकि सारी समस्या की जड़ तो वही है। हम एक काम करते हैं, आपकी समस्या ना हम ही सुलझा देते हैं। वहां रहेगा, उसका इलाज भी हो जाएगा और घर की किटकिट बंद। बस कर कीर्ति, क्यों कर रही है ये सब? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ कीर्ति, प्लीज ऐसा अभय के बारे में कुछ भी मत बोल। मुझे उम्मीद है वो दोबारा से जल्दी ठीक हो जाएंगे और तू देखना ना फिर सब ठीक हो जाएगा। दीदी, आपने हमें पढ़ाया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आज हम जो भी है ना सिर्फ आपके कारण। दीदू, हम अपने आत्मविश्वास से ये कह सकते हैं कि इतने सालों में हमने जो भी दुनिया देखी, इस अच्छाई का ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप मुंह के बल गिरेंगे। दीदू, ऐसे अंधा विश्वास करके कुछ नहीं होगा। हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको सच्चाई दिखा रहे हैं जो आप देखना ही नहीं चाह रहे। आज उस अभय ने आपको रोड पे ऐसे ही फेंक दिया, कल को पता नहीं आपके साथ क्या कर दे वो। यही तो मैं तुझे बताने की कोशिश कर रही हूँ कीर्ति, अभय ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया है। इन दिनों वो एक अजीब से मूड में रहते हैं, उनका खुद पर भी काबू नहीं है। कीर्ति, उनको समझने की कोशिश कर। दीदू, आप सुन भी रही हैं अपने आप को कि आप क्या कह रही हैं? जिस इंसान को शांत रहने की दवाई दी जा रही है, उसका खुद पे काबू ही नहीं है। एक मिनट, ये तो सही कह रही है कीर्ति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नई दवाइयों का अभय पर कोई असर ही नहीं हो रहा? आप ना डॉक्टर नीरज से बात करिए। किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आती है। अभी भी देख ले, सारे के सारे ना श्रद्धा का दुखड़ा सुनने लगे हैं। पता नहीं इतनी जल्दी सबकी चहेती कैसे होगी है वो। बे यार, तेरी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहू रानी अपनी सास के बारे में चुगली कर रही हो। बहू रानी,
अब चले, अब दिवाली की शॉपिंग कर ले, चल हट। भेड़ मार्केट तो आ गया, तूने बाइक क्यों रोक दी अभी से? वो क्योंकि मुझे यहीं उतरना है। एक काम कर, तू जाके शॉपिंग स्टार्ट कर, मैं तेरे को मिलता हूँ। तू जा ना, तेरे को मिलता हूँ मैं। तू शॉपिंग स्टार्ट कर, मैं आकर बताता हूँ। लेकिन जा रहा मैं। घर पर नौकर और यहाँ चौधरी बना घूम रहा है, चल क्या रहे? हट। चलने से पहले ही गाड़ी पंचर, फिर से हार गया। माल है जेब में कुछ, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हो गए टाइम टाइम फिक्स है ना। पैसा बांटो ना तुम। घर पर बर्तन गंदे पड़े हैं और तू यहाँ पत्ते खेल रहा है। और ये पैसे, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी किया ना तूने? अरे नहीं भैया, दस्ती दस्ती खेल रहा हूँ। देखो ना, देखो ये मेरे खुद के पैसे हैं। तेरी शक्ल पर मक्कारी ना मैंने पहले दिन ही देख ली थी। अब फटाफट बता और क्या क्या गंदे शौक पाल रखे तूने? भैया शगुन के लिए खेल रहा था। अच्छा, शगुन पे ताश खेलते हैं? वाह भैया, सब खेलते हैं, पर उसमें गलत क्या है? बस लक्ष्मी माँ को थोड़ा सा प्रणाम कर लेते। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी ट्राई करो, आपका सब मजा आ जाएगा। चल जा, दिवाली पे गंदे काम करवाएगा मुझसे? हट। ऐसा भैया बुरा मत मानना, लेकिन लक्ष्मी माँ के सामने भीख मांगना अच्छा है या थोड़ा सा दिमाग लगा के माँ के आशीर्वाद से थोड़े से पैसे जीत ले? आप बताओ। और इसे ना सब शुभ मानते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई में से 2.5 लाख रुपए मुझे अभी के अभी दे दीजिए, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर नहीं दे सकते ना तो चुपचाप मुझे इस घर में बर्दाश्त कीजिए। जितनी जल्दी पैसे इकट्ठे कर लूंगी उतनी जल्दी उस श्रद्धा को अपने घर से बाहर निकाल सकते। डॉक्टर, घर में सबको ना बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दवाई का उन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। शांत होने की बजाय उनका गुस्सा, उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रहा है। बट आप टेंशन मत लीजिए, हम एक काम करते हैं, हम उनकी दवाइयों की डोसेज बढ़ा देते हैं। डोसेज बढ़ा देते हैं अब? लेकिन डॉक्टर, इससे अभय की सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब है ऐसे दवाइयों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है ना, इसीलिए। उसकी सेहत की चिंता तो है सबको मैडम, अब देखिए कैसे आपका तेज दिमाग धीरे धीरे उसके दिमाग को सोते हुए देखेगा, पागल हो जाएगा और क्या। डॉक्टर नीरज, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ, एवरीथिंग ओके। आप इतना मत सोचिए मिसेस त्रिपाठी, हम पेशेंट के लिए वही करेंगे जो उसके लिए बेस्ट। एक काम करते हैं, हमें अभय के बिहेवियर में अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट नजर आई तो हम डोसेज कम कर देंगे। फिलहाल आप उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब बढ़िया ही होगा। बढ़िया तो होना ही था, अभय त्रिपाठी के पत्ते हैं ये। 3 बादशाह टेबल पर, वो जीत ही इस बादशाह की। दिमाग पूरा साथ नहीं है, पर किस्मत देखो कैसे जोर मार रही है। जब से बैठा है जीत ही रहा है। अरे कहाँ जल्दी है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ, लगे हाथ दो दो हाथ और खेल लेते हैं। अरे बैठो यार, बैठो बैठो। ज्यादा चहक रहे मतलब जीत का नशा, अब गलती करेगा। बढ़िया है, हरा हुआ सब वापस ले लूंगा।
अब की बार बाजी मुझे बिछाने दो। ले भाई तू कर ले यार। इस बार की बाजी धमाकेदार होगी। कैसे? इस बार की बाजी जो जीता वो जीता और सारे पैसे उसी के। हम मैदान में उतर ही गए हैं तो डन। ये जीता तो मेरा सारा उधार चुकता। जिता दे। अरे श्रद्धा तुम चिंता मत करो, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं बल्कि बिल्कुल चकाचक है। बल्कि वो तो मजे से नोट गिन रहा है। काश तुम भी देख पाती। नोट गिन रहे मतलब? बात ये है कि हमारे अभय भाई कुणाल और बाकी कुछ लफंडरों के साथ बैठ के जुए का खेल खेल रहा है। क्या? अभय जुआ खेल रहा है? अरे हाँ, और सिर्फ खेल ही नहीं रहा बल्कि हमारे होनहार अभय भाई जीत भी रहे हैं। वरुण जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ उस कुणाल की वजह से हो रहा है। अब ये बात तो हमारे जुआ विजेता अभय भाई बता सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं अभी उस... नहीं, वरुण जी, देखिए अभय का इन दिनों जैसा मूड रहता है ना, वैसे में हम उन्हें सब कुछ बहुत प्यार से ही समझा सकते हैं। आप बस एक काम कीजिए, आप उन्हें जल्दी से जल्दी घर लेकर आ जाइए। ठीक है। अभय इन दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, इसी वजह से उनका दिमाग दूसरे दिशा में भटकता जा रहा है। अगर घर पे ये बात मम्मी जी को पता चल गई या घर में किसी को भी पता चल गई कि अभय जुआ खेल रहे, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे अभय के लिए कोई अच्छे से काम का पता करना होगा। अरे कोई काम में मदद करेगा या नहीं? ऋतु, आरती कहाँ हैं सब लोग? भाभी, हम किससे काम की उम्मीद रख रहे हैं जो काम ही नहीं करते हैं? अब देखिए ना, स्टोर रूम से लाइटें लाने में इतनी देरी लगती है। तनुजा, लेकिन आप क्यों हड़बड़ाई हुई है? किस बात की जल्दी है? आ जाएंगी ना आरती ऋतु? भाभी हम क्या बताएं, जब आपको लगे कि कोई काम होने वाला नहीं है और वो हो जाए तो इंसान ना खुशी से बिल्कुल पागल ही हो जाता है। अब आप ही देखिए ना, 2 साल बाद अभय हमारे साथ दिवाली मनाएगा। हम आपको बता ही नहीं सकते कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। अरे श्रद्धा, बिल्कुल सही समय पे आई हो। देखो बहुत काम बाकी है तो तुम एक काम करो, तुम तोरण बनाओ, हम तब तक मिठाई बनाते हैं, है ना भाभी? जी मम्मी जी, जी। आई हमारे अभय भाई कुणाल और बाकी कुछ लफंडरों के साथ बैठ के जुए का खेल खेल रहे हैं। मुझे पता है आप कहां से आ रहे हैं। ये हमारी किराएदानी श्रद्धा के एडवांस में से 10,000 माइनस। मैं सिर्फ ईमानदारी के पैसे लेती हूँ, जुए, स्मगलिंग या सट्टे से बनाए हुए पैसे नहीं। तो इसका मतलब हमारा कोई हिसाब हुआ ही नहीं। अब हमारे स्टोर रूम की इतनी अंधेरी गुफा से ना ये लाइट्स निकालने के लिए मुझे तो ऐसे ही गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए। अब लाइट्स तो मिल गई लेकिन ये जलेंगी या नहीं,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। वाला डोरानी, उसी गुफा के बाहर हमने जो लाइन बोली थी वो सीधा तुमने यहाँ चिपका ली। हाँ सॉरी बुआ जी। ठीक है ठीक है, अब ये भी बता देना कि इसमें ना तार बीच से खुली हुई है, तो संभल के आराम से जलाए, पता चला आपस में खुद ही चिपक कर करंट लग गया। हिसाब ना सही, मेरी हिसाब वाली डायरी वापस दो। दो नहीं दूंगी डायरी वापस, ये भी कहीं जाके लिख लीजिए आप। हम क्या सर्कस में बंद गोरिल्ला हैं जो दूर से देख रहे हो? आके हमारी मदद करो। हाँ। अरे आरती, तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगी? हाँ कितना काम पड़ा है। हाँ 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 बुआ जी, बहुत काम पड़ा है, हमें बहुत काम करना है। चलो चलो काम करते हैं, आप बिना बातों में लग जाते हैं। चलो क्या मुसीबत है यार ये। अरे आप दो मिनट शांति से खड़े नहीं रख सकते क्या? ताकि तुम उलझाती रहो। हर बात में आपको इस तरह से बहस करनी जरूरी है क्या? तुम भी तो बंद कर सकती हो ना, हमेशा तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंसता हूँ मैं। ना तुम मेरी डायरी लेकर भागती हो, ना ये सब होता। ना मेरे पीछे अपनी डायरी लेने के लिए भागते, ना मैं बुआ जी से टकराती, और ना हम यहाँ फंसते। हम यहाँ आपकी वजह से फंसे हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब चीख के दिखाएंगे दोनों। ये बार बार बच कैसे? हेलो, कब तक बचेगा रितु? किसका पैसा लेकर फरार होने के चक्कर में पता है ना, वो पाताल से भी निकाल लेगा तुझे तो। नहीं नहीं, मैं सब लौटा दूंगा। अगर कल शाम तक पूरा पैसा नहीं मिला ना, तो इस बार दिवाली के दिन राउंड की जगह कुनाल जलेगा पटाखों के साथ। पटाखों से बचना है तो जल्दी पैसा ढूंढ कुनाल, अच्छे खासे जीते थे इसने जुए में।
तो बस 10,000। वो अड्डे पे तो लगा था कि बड़ा हाथ मारा इसने। बाप की पैसों का क्या करूं, किसके आगे रोऊं, किसके आगे चिल्लाऊं? चिल्लाना पड़े तो हम बेशक चिल्लाएंगे, पर हमें जवाब चाहिए। दीदू, बुआ जी, चाची जी, आंटी सब आइए यहाँ। क्या हो गया? सुबह सुबह इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? क्या बात हो गई है? बात नहीं हुई है दीदू, मानो जैसे तूफान आ गया है, वो भी यहाँ हमारे घर में, एक आईपीएस ऑफिसर के घर में। और आप पूछ रही है कि क्या हो गया? अरे अरे कीर्ति रानी, आराम से अपने टॉक टॉक वाली भाषा में 2-4 शब्दों में हमें समझाओ कि क्या हुआ। हमारा सबसे महंगा हार चोरी हो गया, वो भी हमारे घर से। वरुण जी, कुणाल की तलाशी लीजिए। कुणाल के पास कोई हार नहीं, घर में इतने सारे लोग हैं तो सबको तलाशी देनी चाहिए, और मुझे भी। आरती चुप। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।